चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी ज़मीन पुराना खतियान पुराना आपका कोई भी ज़मीन है और अभी तक इंटरनेट पर नहीं चढ़ा है तो आप कैसे नेट पर चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनका अभी तक पुराने से पुराने ज़मीन है और उन्हें कोई पता नहीं है कि हमारा नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, जो कि उनका दाखिल खारिज या रसीद नहीं कट पाता है। जबकि आप नेट पर नहीं चढ़ाइएगा तब तक आपका ऑनलाइन रसीद नहीं कटेगा या तो ऑफलाइन, जो कि कटाना पड़ेगा। बट पहले ऑफलाइन चलता था, अब ऑफलाइन नहीं चल रहा है क्योंकि ऑफलाइन को उसको बंद कर दिया गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी पुराना है और ज़मीन को नेट पर चढ़ाना चाहते हैं तो इजीली आप अपने नेट पर चढ़ा सकते हैं, इंटरनेट पर चढ़ा सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हुए आप ऑनलाइन के माध्यम से इस वीडियो को देख कर, आप प्रॉपर अगर इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आप इस कोई भी ज़मीन को आप नेट पर चढ़ा सकते हैं, कोई भी खतियान को अपने नेट पर चढ़ा सकते हैं, कोई भी केवाला को नेट पर चढ़ा सकते हैं, कोई भी ज़मीन को आप नेट पर चढ़ा सकते हैं। तो आज इसी के लिए और आप ही के लिए ये वीडियो पर्सनली हम बना रहे हैं, ताकि बहुत लोग अभी तक क्या हुआ है कि छूट गया है, जो कि अभी तक किसी का नेट पर नहीं चढ़ा है। तो नेट पर चढ़ाने के लिए हम इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप नेट पर चढ़ा सकते हैं। और नेट पर चढ़ाने के लिए आपको बिहार राज्यसभा एवं भूमि सुधार पर आना होगा। जैसे मैं हम एक बार आपको बैक करके डायरेक्टली आ जाता हूँ, आपको ब्राउज़र खोल लेना है जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है और यहाँ आपको लिखना है बिहार भूमि। बिहार भूमि लिखकर आपको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद बिहार भूमि आपको यहाँ फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन ये, इस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। अब जिस ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से एक पॉपअप आ जाती है। इसको पॉपअप को कट करने के लिए आपको देखिए यहाँ नीचे लाल कलर में एक बटन मिल जाती है क्लोज का, इस तरह आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है, आपको नीचे आ जाना है और ये आपको अगर नया कोई भी चीज़ इसमें कार्य करने के लिए, पहले नंबर तो आपको इसमें लॉगिन होना पड़ता है। जैसे मैं हमने ऑलरेडी ये अकाउंट को बना लिया हूँ, तो उसके बाद आपको अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ आपको मिल जाती है, आपको फर्स्ट में यहाँ आपको मिल जाती है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन स्थिति, देखिए आम सूचना ऑनलाइन एलपीसी स्थिति, देखें भू लगाम पर आपको क्या करना होगा, भू लगाम आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ आपको जमाबंदी मिल जाती है, जमाबंदी टू पंजीकरण देखें। उसके बाद यहाँ अपना खाता देखें। उसके बाद भू मानचित्र का एक ऑप्शन मिल जाती है, इसी पर आपको क्या करना होगा, भू मानचित्र पर। तो चलिए हम भू मानचित्र पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ अगला नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कह रहा है डिपार्टमेंट, ये इतना आपको यूजर आईडी डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से अपना यूजर आईडी एक बार डाल लेते हैं। तो आपको पब्लिक वाले पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पब्लिक के लिए देखें, यहाँ दिया हुआ पब्लिक, तो पब्लिक पर हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम पब्लिक पर क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता होगा। अगर आपको नहीं रजिस्ट्रेशन करने आता है, यानी आपको लगता होगा कि कौन सी मोबाइल नंबर कौन सी, तो आपको ये देखिए यहाँ आपको दिया हुआ नीचे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। आप यहाँ जिस न्यू रजिस्ट्रेशन हेयर क्लिक पर क्लिक करते हैं तो आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा एक न्यू पेज, और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ आपको इंटर मोबाइल नंबर आपको देना होगा, उसको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जिसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपका ये अकाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख लिए। उसके बाद हम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर को एक बार डाल लेंगे। चलिए हम यहाँ से मोबाइल नंबर को डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ एक्सेप्ट यहाँ दिया हुआ है, एक्सेप्ट पर क्लिक करके यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये कह रहा है रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, रॉन्ग यूजर आईडी पासवर्ड बता रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ हम अपना डाल लेंगे मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर डालने पर नहीं लेता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अब इसे छोड़ देना है, क्योंकि कभी कभी जो है
ये कभी कभी काम नहीं करता। तो इसे हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद एक और ऑप्शन है यहाँ, परिमार्ज प्लस आवेदन स्थिति देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ परिजमान पर आपको क्लिक कर देना होगा, आपको नीचे क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ अगला पेज खुलकर आ जाता है। अब देखिए कह रहा है परिजमान प्लॉट, आप कह रहे हैं देखिए डिजिटल जमाबंदी में सुधार, कॉम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन कीजिए। उसके बाद आप जिला का नाम आपको डालना है। देखिए यहाँ आपको जिला का नाम, जो भी आपका जिला है वो आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला के सेलेक्ट करने के बाद आपको अंचल सेलेक्ट करना है कि आपका अंचल कहाँ है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आवेदन संख्या, ठीक है, यहाँ आपको आवेदन संख्या डाल देना है कि जो भी जिसका मतलब आपका जो जमीन चढ़ना है, हम यहाँ डाल देते हैं 64। उसके बाद ये आपको सुरक्षा कोड डाल देना है, 5 साल जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इतना डाल लेना है, डालने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना होगा। सर्च पर क्लिक करना है, आवेदन कर रहा है कि आवेदन संख्या, तो आवेदन संख्या हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ये कोड डाल देंगे। उसके बाद फिर तो ये कर सही आवेदन, ये अभी जो कि डाटा काम नहीं कर पा रहा है, जो कि अभी सर्वर ये कभी कभी साइट काम नहीं कर पाता है। तो आप इसी तरह अपना इंटरनेट पर जो कि कोई भी दस्तावेज या कोई भी ज़मीन आप चढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। तो आई होप ये वीडियो पसंद, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।